वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के हरदोई से, जहां पर आपको बता दें कि बड़े आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां पर लक्ष्मी यज्ञ चल रहा था और उसी दौरान वहां पर पूरे पंडाल में आग झुलस गई और पूरी तरह से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया और भयानक रूप देखकर वहां पर आसपास के लोग पूरी तरह से खौफ में आ गए। हरदोई लक्ष्मी यज्ञ में आग का तांडव मच गया। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी और इसी के तहत आपको बता दें कि वहां पर लगातार इस तरह से आग के तांडव से वहां पर मौजूद लोग खौफ के साए में जी रहे थे। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी से वहां पर लोग पूरी तरह से खौफ में आ गए हैं और आग देखते ही देखते वहां पर विशाल रूप ले चुकी थी। पाली कस्बे में चल रहा था लक्ष्मी यज्ञ, जहां पर यह आग लगी है। आपको बता दें कि इस तरह से वहां पर तुरंत वहां पर इस मामले की सूचना वहां पर दी गई और जिसके बाद अभी फिलहाल इसमें और भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना थी ये काफी खौफनाक नजर आ रही थी। हरदोई लक्ष्मी यज्ञ के अंदर जिस तरह से आग लगी है वो कहीं ना कहीं काफी खौफनाक थी। इसका जो मंजर देखा गया वहां पर लोगों में अभी भी इसका खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस तरह से आप यहां पे नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले रही हैं। आप इस पंडाल की वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से आग पूरे पंडाल को अपनी चपेट में लेते हुए तांडव मचा रही है। यह खौफनाक मंजर वहां के लोगों में खौफ घर कर गया है। वही इस मामले पर आगे की जानकारी देते हुए हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके हैं। देखिए, ये पाली कस्बे में महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा था जिसकी आज पूर्ण आहुति का कार्यक्रम था। पूर्ण आहुति देने के समय, जैसे ही पूर्ण आहुति दी जा रही थी उस समय वो आग की लपटें इतनी भयानक हुई कि जो पंडाल था उसमें लग गई और देखते देखते पूरा पंडाल जो है दो दो करके जलने लगा। खौफनाक आग को देखते हुए कि जो वहां पर श्रद्धालु लोग थे अब अपने अफरा तफरी मचे, जैसे तैसे श्रद्धालुओं की सूझबूझ से और वहाँ जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसको सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचा, आग पे काबू पाया गया। कोई अभी हताहत नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयानक रूप आग ले चुकी थी। जरा सी चूक, जो आग पूर्ण आहुति दी जा रही थी उसको इतनी ज्यादा आग बढ़ा दी गई कि जो उसकी लपटें हैं ऊपर तक जाके उसमें पंडाल में आग को पकड़ लिए। जी, इसमें किसी तरह की हतायात होने की खबर आपने जैसे बताया कि इस तरह की कोई हतायात होने की खबर है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही का भी सामने आ रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर अगर लक्ष्मी देवी की मतलब पूजा के अर्चना के दौरान इस तरह से पंडाल में इतनी भयानक आग लगना कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, प्रशासन और आयोजकों पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब कोई महायज्ञ का कार्यक्रम था और आज पूर्ण आहुति का कार्यक्रम था, भयानक तरीके से भीड़ का जुटना और वहां पर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी या कोई इंतजाम ऐसे नहीं थे कि जिस पर कोई ऐसी की घटना हुई तुरंत काबू पाया जाए, कहीं ना कहीं प्रशासन और आयोजक हैं उनकी लापरवाही के सामने देखने को मिली है। जी चलिए दुर्गेश जी, इस मामले पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस खबर में और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।